हाउ आर यू ऑल, आई होप दैट यू ऑल आर फिट एंड फाइन। किड्स, आज हम एसएस के यूनिट टेस्ट का रिवीजन करने वाले हैं। सो आर यू रेडी किड्स, लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर 1, व्हाट डिड पूनम सी। सो लेट्स सी, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ रेफरेंस टू द फॉलोइंग क्वालिटीज नेम द एनिमल्स। यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स के बारे में क्वेश्चंस दिए हैं, तो हमें कोई भी 2 या 3 एनिमल्स के या बर्ड्स के नाम यहाँ पर लिखने हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज दैट कैन फ्लाई, जो फ्लाई कर सकते हैं। तो यस, पिजन, क्रो, मैना, ये फ्लाई कर सकते हैं ना, राइट। नेक्स्ट इज दैट वॉक ऑन 2 feet, ऐसे एनिमल्स की जो 2 feet पर चलते हो, मतलब जिनके 2 legs होते हैं। तो पेंगुइन, ह्यूमन और ऑल बर्ड्स, सारे ही बर्ड्स के 2 feet होते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दैट क्रॉल ऑन देयर स्टमक्स, जो क्रॉल करके आगे बढ़ते हो, मतलब अपने स्टमक का, अपने पेट का सहारा लेकर आगे बढ़ते हो। तो ऐसे एनिमल्स कौन से हैं? यस, स्नेक, अर्थवॉर्म, लिजार्ड, ये अपने स्टमक के सहारे, मतलब क्रॉल करते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दैट हॉप टू मूव, ऐसे एनिमल्स की जो जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रॉग, रैबिट, कांगारू, आपने देखे ना किड्स, वो कैसे जंप करते हुए आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट इज दैट हैव टेल्स, जिसकी टेल हो। तो यस, डॉग, कैट, मंकी, एलिफेंट, ये सबकी टेल होती है ना, राइट। नेक्स्ट इज दैट हैव हॉर्न्स ऑन देयर हेड, जिसके माथे पर सिंग हो। तो यस, काउ, बफेलो, ऑक्स, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जिनके माथे पर सिंग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं। नेक्स्ट इज दैट कैन वॉक और क्लाइम ऑन द वॉल, ऐसे एनिमल्स के जो वॉल के ऊपर, दीवार के ऊपर चल सकते हैं। तो लिजार्ड, एंट एंड लार्ज ब्लैक एंट जो होती है, वो दीवारों पर चलती है ना, राइट, आपने देखा है ना। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम्स ऑफ द होम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स। किड्स, कॉलम ए में आपको कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और वो लोग कहाँ पर रहते हैं वो आपको कॉलम बी में लिखना है। लेट्स सी, फर्स्ट इज एंट, तो एंट कहाँ पर रहती है? यस, ब्यूरोज एंड हॉल्स में रहती है, राइट। नेक्स्ट इज काउ, तो काउ कहाँ पर रहती है? यस, शेड में रहती है। काउ जहाँ रहती है उसे शेड कहा जाता है। नेक्स्ट इज हॉर्स, तो हॉर्स कहाँ पर रहता है? स्टेबल में रहता है। नेक्स्ट इज शिप और गोट, तो शिप और गोट जहाँ पर रहते हैं वो जगह को पेन कहा जाता है। नेक्स्ट इज लायन, तो लायन कहाँ पर रहता है? यस, डैन और केव में रहता है, मतलब गुफाओं में रहता है, राइट। नेक्स्ट इज पिजन, तो पिजन कहाँ पर रहता है? यस, नेस्ट में रहता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द एनिमल्स गिवन बिलो इनटू दोज दैट ड्रिंक वाटर विद देयर टंग एंड दोज दैट ड्रिंक वाटर विद देयर लिप्स। जो एनिमल्स अपने टंग से पानी पीते हैं और जो एनिमल्स अपने लिप्स से पानी पीते हैं, उसे हमें क्लासीफाई करना है। सो लेट सी, एनिमल्स दैट ड्रिंक वाटर विद देयर टंग्स आर डॉग, टाइगर, लायन, कैट एंड फॉक्स। जो एनिमल्स अपने टंग की मदद से, मतलब अपनी टंग को पानी पीते समय वो लोग बाहर निकालते हैं और अपनी टंग की मदद से वाटर ड्रिंक करते हैं, तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं? यस, डॉग, टाइगर, लायन, कैट, फॉक्स, आपने ये सारे एनिमल्स देखे हैं, वो कैसे अपनी टंग को बाहर निकाल कर पानी पीते हैं, राइट, अपनी टंग की मदद से ही पानी पीते हैं। एंड नेक्स्ट इज एनिमल्स दैट ड्रिंक वाटर विद देयर लिप्स, जो एनिमल्स अपने लिप्स की मदद से पानी पीते हैं, मतलब कि जब भी वो पानी पीते हैं तो वो अपनी टंग को बाहर नहीं निकालते हैं, जैसे काउ, मंकी, बफेलो, डियर, गोट, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं कि जो अपने लिप्स की मदद से पानी पीते हैं। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द एनिमल्स गिवन बिलो इंटू 4-legged एनिमल्स एंड 2-legged एनिमल्स। जो एनिमल्स के 4-legged होते हैं और जो एनिमल्स के 2-legged होते हैं, उसे हमें क्लासिफाई करना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज 4-legged एनिमल्स, तो कौन से एनिमल के 4 legs होते हैं? यस, काउ, कैमल, बफेलो, हॉर्स, डॉग, ये सारे एनिमल्स ऐसे हैं जिसके 4 legs होते हैं, 4 pair होते हैं। एंड 2-legged एनिमल्स कौन से होते हैं? यस, पीकॉक, क्रो, पैरट, पिजन, आउल, ये सारे ही बर्ड्स या तो एनिमल्स हम कह सकते हैं जिसके 2 legs होते हैं। ओके, नाउ किड्स वी विल डू रिवीजन ऑफ चैप्टर 2, द प्लांट फेरी। ओके, सो लेट्स सी, हियर
we will do the revision of match the list. कॉलम ए में आपको कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसके पिक्चर्स दिए हैं और कॉलम बी में आपको उसके नेम्स दिए हैं. तो बीच में जो आंसर की कॉलम दी है उसमें हमें लिखना है कि ये कौन से प्लांट का लीफ है. ओके, सो लेट्स सी. फर्स्ट जो आपको लीफ दिख रहा है वो कौन से प्लांट का है? यस, वो पीपल ट्री का लीफ है जो बहुत ही ब्रॉड सा होता है. फिर सेकेंड पिक्चर आप देख रहे हो वो नीम ट्री के लीफ का है. आपने नीम ट्री देखा है ना, उसके जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? यस, उसकी जो कॉर्नर्स होती है वो जिगजैग वाली होती है और उसका छोटा सा लीफ होता है. नाउ नेक्स्ट आप जो लीफ देख रहे हो वो बनियन ट्री का लीफ है. आपने बनियन ट्री का लीफ देखा है ना, वो थोड़ा सा राउंड होता है, ओवल शेप का होता है. नाउ नेक्स्ट इज, जो नेक्स्ट पिक्चर आपको दिया गया है वो अशोका ट्री का लीफ है. अशोका ट्री के लीफ भी सेम हमें नीम लीफ की तरह ही दिखते हैं पर वो लेंथ में ज्यादा होते हैं, मतलब वो थोड़े से लंबे होते हैं. तो इस तरह से आपको सारे लीव्स को पहचानना है और वो कौन से ट्री का या कौन से प्लांट का लीफ है वो लिखना है. ओके, नाउ किड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्लासिफाई द फॉलोइंग प्लांट्स इनटू ट्रीज, बुशेस एंड क्रीपर्स. किड्स, यहाँ पर आपको बहुत सारे ट्रीज के या बुशेस, मतलब प्लांट्स के या क्रीपर्स या क्लाइंबर्स के एग्जांपल्स दिए हैं, राइट? तो आपको उसे क्लासिफाई करना है कि किसका ट्री होता है, किसका प्लांट होता है या कौन सा क्रीपर होता है या क्लाइंबर होता है. सो लेट्स सी ट्रीज कौन से होते हैं. तो पीपल का ट्री होता है, फिर टैमरिन ट्री होता है, बेरीज का ट्री होता है, अशोक का ट्री होता है, मैंगो ट्री होता है, पपाया का भी ट्री होता है, बनियन ट्री, कोकोनट ट्री, पाम ट्री, नीम ट्री एंड गुलमोहर ट्री. ये सारे ही ट्रीज होते हैं, राइट? जो साइज में बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं, जो क्रीपर्स, क्लाइंबर्स या जो प्लांट्स होते हैं उससे वो बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं. नेक्स्ट इज बुशेज, या तो प्लांट्स कह लो, राइट? तो कौन से प्लांट्स होते हैं? तो जैसे कि रोज का प्लांट होता है, मोगरा, बेजिल, पेरीविंकल, मैरीगोल्ड, ग्राम, ये जो सारे बुशेज होते हैं या प्लांट्स होते हैं उसकी हाइट थोड़ी सी कम होती है तो उसे बुशेज कहा जाता है. नेक्स्ट इज क्रीपर्स और क्लाइंबर्स. तो किड्स, ऐसे प्लांट्स के जिसको ग्रो होने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है और या तो फिर वो वजन में इतने ज्यादा हैवी होते हैं कि वो प्लांट पर ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो वो लैंड के ऊपर ही ऐसे ग्रो हो जाते हैं, जिसे हम वेल भी कहते हैं, राइट? तो ऐसे जो क्रीपर्स और क्लाइंबर्स के जिसे ग्रो होने के लिए किसी के सपोर्ट की, मतलब के स्टिक की सपोर्ट की या वॉल के सपोर्ट की जरूरत होती है और वो ग्रो होते हैं, तो जैसे कि बीटर गॉड, मस्क मेलन, बोगनवेलिया, स्वीट पीस, बॉटल गॉड, ग्रेप्स, आईवी गॉड या तो टिंडोला जिसे हम कहते हैं, तो ये सारे जो क्रीपर्स है उसे ग्रो होने के लिए किसी के सपोर्ट की जरूरत होती है, जिसे क्रीपर्स या क्लाइंबर्स कहा जाता है. नाउ किड्स, लेट्स डू द रिविजन ऑफ चैप्टर नंबर 3, वॉटर ऑफ वॉटर. सो लेट्स सी ट्रू और फॉल्स. अवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर. हम पानी पिए बगैर लंबे समय तक रह सकते हैं. तो क्या आप पानी के बगैर रह सकते हो? नहीं ना. यस, तो ये सेंटेंस फॉल्स है. नेक्स्ट इज, वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर. हमें पानी का वेस्टेज बंद कर देना चाहिए, मतलब हमें वाटर वेस्ट बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए. तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट इज, वाटर फ्रॉम द सी चेंजेस इंटू वेपर एंड गोज हाई इंटू द स्काई. जो वाटर होता है वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है और वो स्काई में ऊपर जाता है. तो ये सेंटेंस भी ट्रू है. नेक्स्ट इज, देयर इज अ ह्यूज वाटर टैंक इन द स्काई. स्काई में बहुत ही बड़ा वाटर टैंक होता है. तो ये सेंटेंस फॉल्स है. स्काई में ऐसा कोई भी टैंक नहीं होता है. नेक्स्ट इज, फार्मिंग इज पॉसिबल विदाउट वाटर. पानी के बगैर फार्मिंग पॉसिबल है? नो, विदाउट वाटर फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल. तो इसीलिए ये सेंटेंस भी फॉल्स है. नेक्स्ट इज, रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. पानी का जो मेन सोर्स है वो कौन सा है? रेन है, राइट? तो ये सेंटेंस ट्रू है. नेक्स्ट इज, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स आर नोन एज सोर्सेज ऑफ वाटर.
स्ट्रीम्स मतलब झरने, रिवर्स, लेक्स, वेल्स, ये सारे ही वाटर के सोर्सेज है। जहाँ से हमें पानी मिलता है वो जगह को वाटर के सोर्सेज कहा जाता है। तो ये सारी जगहों से हमें वाटर मिलता है ना, तो ये सारे वाटर के सोर्सेज है। तो ये सेंटेंस ट्रू है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कल द ऑड वन आउट। यहाँ पर कुछ ऑड वर्ड्स दिए हैं, उसके ऊपर हमें सर्कल करना है। सो लेट्स सी, फर्स्ट इज रिवर, माउंटेन, लेक, स्ट्रीम एंड रेन। तो यहाँ पर कौन सा ऑड वर्ड है? यस, माउंटेन जो है वो ऑड है। क्यों ऑड है? बिकॉज रिवर, लेक, स्ट्रीम एंड रेन क्या है? वाटर के सोर्सेज है। पर माउंटेन में से क्या हमें वाटर मिलता है? क्या वो वाटर का सोर्स है? नहीं है, राइट? तो इसीलिए ये ऑड वर्ड है, तो उसके ऊपर हम सर्कल करेंगे। नेक्स्ट इज फिश, डक, मंकी, क्रोकोडाइल एंड टर्टल। तो इसमें से कौन सा ऑड है? यस, मंकी, राइट? बिकॉज फिश, डक, क्रोकोडाइल एंड टर्टल क्या है? एक्वेटिक एनिमल्स है, और मंकी तो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, राइट? नेक्स्ट इज कार, बोट, बस, ट्रेन एंड बाइसिकल। तो इसमें से ऑड वर्ड कौन सा है? बोट, राइट? बिकॉज कार, बस, ट्रेन और बाइसिकल तो लैंड व्हीकल्स है ना, और बोट जो है वो वाटर व्हीकल है, तो इसीलिए वो ऑड है। नेक्स्ट इज बाथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग, कॉम्बिंग हेयर एंड नीडिंग मड। तो इसमें से जो ऑड है वो क्या है? कॉम्बिंग हेयर, क्योंकि बैथिंग, वॉशिंग, स्विमिंग और नीडिंग मड में हमें वाटर की ज़रूरत होती है, पर हमें अपने हेयर को कॉम्ब करने के लिए वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए कॉम्बिंग हेयर जो है वो ऑड है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्वेश्चन आंसर्स। सो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू डू विदाउट वाटर। आप कौन से काम पानी के बगैर कर सकते हो? यस, लेट्स सी द आंसर। वी कैन डू एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग, स्पीकिंग, वॉकिंग, स्टडिंग विदाउट वाटर। ये सारे काम में हमें वाटर की जरूरत नहीं होती है, हम विदाउट वाटर ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कैन यू डू नॉट डू विदाउट वाटर। आप कौन से काम पानी के बगैर नहीं कर सकते हो? सो लेट्स सी द आंसर। वी कैन नॉट क्वेंच आवर थर्स्ट, कुक फूड, हैव अ बाथ एंड वॉश क्लोथ्स और यूटेंसिल्स विदाउट वाटर। हम अपनी प्यास नहीं बुझा सकते हैं, हम अपना खाना कुक नहीं कर सकते हैं, हम नहा नहीं सकते हैं, हम अपने कपड़े या बर्तन भी वाटर के बगैर नहीं धो सकते हैं, राइट? ये सारे काम ऐसे हैं जिसमें हमें वाटर की ज़रूरत होती है। Now kids, our next question is, do you know the names of any rivers? Write their names. किड्स, क्या आपको कोई भी रिवर्स के नेम्स पता है? कौन सी रिवर्स के नेम्स आपको पता है? तो आपको यहाँ पर उसके नेम्स लिखने हैं। सो लेट्स सी द आंसर। यस, आई नो नेम्स ऑफ अदर रिवर्स, दे आर एज अंडर, नर्मदा, तापी, महिसागर, बनास, सरस्वती, रूपेण, मेश्वो एटसेट्रा। ये सारी ही रिवर्स के नेम्स मुझे पता है। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द सोर्सेज ऑफ वाटर। किड्स, वाटर के सोर्सेज कौन से हैं? जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जहाँ से हमें वाटर मिलता है, तो जैसे कि रेन है, स्ट्रीम्स है, रिवर्स, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, ये सारे ही जो है वो वाटर के सोर्सेज है। ये सारी जगहों से हमें पानी मिलता है, राइट? हमें पॉन्ड में से, लेक में से, स्ट्रीम्स, रिवर्स, वेल्स, ये सारी जगह से हमें वाटर मिलता है ना, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? वाटर के सोर्सेज कहेंगे। ओके, नाउ किड्स, लेट्स डू द रिवीजन ऑफ चैप्टर 4, छोटूज हाउस। सो किड्स, लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स। हु कम टू स्टे विद छोटू, छोटू के साथ रहने के लिए कौन आया था? यस, आपको पता है ना, छोटूज फ्रेंड्स मोनू केम टू स्टे विथ हिम। छोटू का फ्रेंड मोनू उसके साथ रहने के लिए आया था। नेक्स्ट इज हाउ डिड छोटू एंड मोनू कीप द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन। छोटू और मोनू अपने घर के आसपास का एरिया कैसे क्लीन रखते थे? लेट्स सी द आंसर। द टू फ्रेंड्स मस्ट हैव परचेस्ड अ ब्रूम एंड मस्ट बी कीपिंग द एरिया अराउंड देयर होम क्लीन बाय स्वीपिंग इट। छोटू और मोनू ने क्या किया होगा? यस, वो एक ब्रूम मतलब के झाड़ू लेकर आए होंगे, राइट? और उससे अपने घर के आसपास का जो भी एरिया है या घर को क्लीन रखते होंगे, राइट? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ व्हाट डू यू क्लीन द यार्ड ऑफ योर हाउस। किड्स, आप अपने घर का यार्ड या अपने घर को कैसे साफ करते हो? यस, वी क्लीन द यार्ड ऑफ आर हाउस विथ अ ब्रूम। हम झाड़ू से अपने घर को या अपने घर के यार्ड को साफ करते हैं ना, राइट?
Now, our next question is, which things do you use to decorate the house, write their names? आप अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कौन सी चीज का यूज करते हो? Let's see the answer. The following things we use to decorate the house: lights, flowers, garlands, pictures, photographs, statue, various lights, colorful hangings, rangolis, colors, paper stars, colorful stickers. ये सारी चीजों का यूज करके हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, राइट? हम कब अपने घर को डेकोरेट करते हैं? दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल्स आते हैं, क्रिसमस होता है, ईद होता है, तब हम अपने घर को क्या करते हैं? डेकोरेट करते हैं, राइट? तो ये सारी चीजों से हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं. नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड छोटू यूज द पाइप? छोटू ने पाइप का कैसे यूज किया था? यस, छोटू यूज द पाइप एज हिज होम. छोटू ने पाइप को अपने घर की तरह यूज किया था. ही मस्ट हैव स्लेप्ट इन द पाइप. वो पाइप में सोता था. कुक हिज फूड आउटसाइड इट. और फिर वो पाइप के बाहर फूड को कुक करता था. मतलब उतना एरिया उसने किचन के तौर पर रखा हुआ था. एंड सेट अराउंड इट फॉर अ चैट विथ हिज फ्रेंड. और उसने एक जगह भी बना ली थी जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ बैठकर बातें भी करता था. Now kids, our next question is, into which parts did Chotu divide the pipe and its surrounding area? Chotu ne pipe ko aur uske aaspaas ke area ko kaun se parts mein divide kiya tha? Let's see the answer. Chotu divided the pipe and its surrounding area into the following parts. First is a place for cooking. Ek jagah usne cooking ke liye rakhi thi, right? Jahan par wo cook karta tha. Jaise hamare ghar mein kitchen hota hai, right? Hum kitchen mein hi cook karte hai na? तो इस तरह से छोटू ने भी एक एरिया कुकिंग के लिए रखा था. सेकेंड, अ प्लेस फॉर स्लीपिंग. एक जगह उसने सोने के लिए रखी थी, मतलब वो पाइप के अंदर सोता था. थर्ड, अ प्लेस फॉर ड्राइंग क्लोथ्स. एक जगह उसने कपड़े सुखाने के लिए रखी थी. एंड अ प्लेस फॉर स्टोरिंग वाटर. एक उसने टैंक जैसा रखा था जिसमें कि वो वाटर को स्टोर करता था. एंड फिफ्थ इज अ प्लेस फॉर गेस्ट एंड फ्रेंड्स. एक जगह उसने पाइप के बाहर छोटी सी रखी थी जहाँ पर वो अपने फ्रेंड और गेस्ट के साथ बैठता था. तो इस तरह से छोटू ने पाइप को अलग अलग एरिया में डिवाइड कर लिया था. जैसे हमारे घर में भी ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, बाथरूम होता है, किचन होता है, राइट? तो इस तरह से छोटू भी पाइप को और उसके सराउंडिंग्स को यूज करता था. सो किड्स, गॉट इट ऑल ऑफ यू? सबको समझ आया? ये सारे ही आपको टॉपिक्स लर्न करने हैं अच्छे से. होप यू ऑल अंडरस्टैंड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. बाय.